पाकिस्तान की बात करें, फिर हिंदुस्तान की बात करें, फिर लंदन की बात करें, और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया घूमी हैं, लेकिन इतना अभी हिंदुस्तान ही क्यों है आपके लिए? हिंदुस्तान मेरे पुरखों का मुल्क है। हम लोग अमृतसर से हैं, हमारी ननियाल ददियाल, हमारी माँ अमृतसर में पैदा हुई, वाले नानी नाना दादी दादा, हमारे मामू हैं जनरल राज मेहरा, वो अभी रिटायर हुए हैं, हमारे कज़न्स हैं यहाँ फोर्सेस में हैं, और कोई कहीं का भी हो उसमें कोई नुक्स नहीं है, मगर जहाँ के हम हैं वहाँ के हैं। दिल है हिंदुस्तानी, इसका तो कोई इलाज नहीं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो जहाँ देखिए मेरी लॉयल्टीज होती हैं वहाँ, जहाँ से आपको बेनतहा मोहब्बत मिली हो, और आर्टिस्टों का तो ये है कि सारी दुनिया मोहब्बत करती है। आपका तो राज कपूर, जो कपूर ख़ानदान है, उससे भी बहुत करीबी लिंक है। जी हाँ, हमारे नाना जुगल किशोर मेहरा, जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर हैं विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो के, लखनऊ का स्टेशन उन्होंने बनाया, दिल्ली बॉम्बे, वो नाना मेरे जुगल किशोर मेहरा और राज कपूर जी की जो नानी है, ये बहन भाई हैं सगे। अच्छा, तब तो आपका बहुत करीबी रिश्ता हुआ वहाँ से। जी हाँ, तो ये रिश्ते बने हुए हैं अभी भी? बिल्कुल। अच्छा। रिश्ते कहाँ टूटते हैं, बिल्कुल। जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाना आना लगा? नहीं नहीं, घरों अच्छा। से भी हम लोग मिलते हैं, बहुत करीबी रिश्ता है। राज कपूर जी का तो ऐसा था कि उनके हाथों में पले हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो उन्होंने तो इतनी परख लिया था कि आप में ये काबिलियत है, क्योंकि राज कपूर जी के अगर हम बात करें तो उन्होंने तो बस नहीं, घर वाले नहीं चाहते थे। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट हुई थी, मैट्रिक भी नहीं किया था, उसके बाद एजुकेशन पूरी हुई मेरी, जब बहुत एक लंबा ब्रेक आया था, जब हमने काम नहीं किया था, तो वो बहुत सख्त खिलाफ थे फिल्मों में काम करने के। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके कहा था कि इसको फिल्म में नहीं लेना, हिना के लिए वो मैं देख रहे थे राज कपूर। हाँ, उनको कहा कि आप मेरी फैमिली हैं आप। अच्छा। आप ये काम नहीं करेंगे। तो वो नाना जी की मेरे बहुत इज्जत करते थे, बहुत बहुत प्यार करते थे। अच्छा, उनके रहते हुए जो उनकी फैमिली से जो लड़कियां थी वो आई भी नहीं फिर? हाँ आई, बाद में आई, बाद में एक एक करके, सब जमाने बदलते हैं तो सब बदल जाता है। लेकिन उन्हें क्यों ये लगता था, जैसे चूंकि आप उसी खानदान से? बस हम लोगों का बड़ा पुराना ट्रेडिशनल पठानों की फैमिली है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ सॉफ्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, फिर कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कि जो देखे फिर वो कहे कि नहीं ठीक है। जब पहली पिक्चर रिलीज़ हुई तो उसके बाद सब ये जो जी रंजिशें सब ख़त्म, पैच अप हो गया, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 3-4 फिल्म आपकी आई, जैसे आखिरी फिल्म आपकी गहरा रास थी। जी। लेकिन वो जो जैसे आप में जो टैलेंट था, जो आपकी आवाज़ थी या आपका जो अभिनय था,
वो एक नेचुरल सब चीज़ें दिखते थे कि जैसे बस कोई चीज़ अंदर से आ रही हो, लेकिन फिर वो उसके बाद जो निकाह के बाद हमारा ब्रेक आया, निकाह के बाद आई पिक्चरें हमारी, सेकंड पिक्चर भी हमारी सुपर डुपर हिट थी कसम पैदा करने वाली की, मगर वो एक जो एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई थी जी उसको हमने जाके फिर पूरा किया। अच्छा, एजुकेशन की खातिर आपने ये कुर्बानी दी? नहीं, वो तो पूरा करना ज़रूरी था ना, आगे ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, आपको बोलते हुए सुनते हैं, जब सुनते हैं तो ये लगता है कि जैसे अदब जो है वो एक अंदर से बाहर आ रहा हो, आप चाहे उर्दू बोलती हो, अंग्रेज़ी बोलती हो, फिर चूंकि आप हिंदुस्तान में रही हैं तो हिंदी भी एक ऐसा जो एक हिंदुस्तानियत जो है वो आपके लफ्ज़ों से टपकती है। नहीं, वो तो रहनी चाहिए, आप जहाँ के हों आपकी पहचान ही वो है, हमारी पहचान हिंदुस्तान है, और हमारे लहजे में अगर वो ना बोले तो फिर हम कैसे हिंदुस्तानी हैं, वो तो ज़रूरी है। हमारी वालदा जो हैं उन्होंने लखनऊ से मुंशी फाजिल किया था, बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी और गायिका थी बहुत बड़ी, उनके जो क्लासिकल के टेप्स हैं वो आज भी फ्रांस की लाइब्रेरी में है, जो म्यूज़िक सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या नाम था? ज़रीना आगा। अच्छा, नसरीन मेहरा। अच्छा, वैसे उनका नाम था पर शादी के बाद फिर ज़रीना आगा। तो ये कहिए कि सारी चीज़ें आपको कुदरती तौर पर ट्रांसफ़र होती चली गई, जो बाद में आपके निकाह के बाद और फिर उसके बाद जो फिल्में आई उसमें वो दिखाई दी? जी, ऐसे ही बस। और अब बेटी है माशाल्लाह मेरी, उसके उसको भी आपने रोक रखा है कि तालीम के लिए, तालीम पूरी करी है? किया तो, उसने किया, उसने सब किया। अब उसके माशाल्लाह गाने रिलीज़ होते हैं और हर बड़ी मल्टी स्टारर में 2-3 गाने, उसका अभी एक लाइगर का गाना आया है जिसने पता नहीं कुछ घंटों में 2 मिलियन किया था, तो बहुत अच्छा उसका सब जा रहा है। बेटा हमारा शाहान अली खान, वो लंदन में इस वक्त ट्रेनिंग के लिए गया है, म्यूज़िक की भी एक्टिंग की भी, और माशाल्लाह गाता भी बहुत अच्छा है, तो वो नेक्स्ट फैमिली में इंशाल्लाह स्टार बनेगा आप सबकी दुआ से। जिससे बात करें हम, तो हर फिल्म में आपने कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की है, पहले फिल्में भी इसी तरह की होती थी कि वो जब तक कोई मैसेज नहीं हो उसमें तब तक शायद फिल्म जो बनाने वाले थे वो भी नहीं सोचा करते थे। हाँ, पहले लेकिन अब एक चेंज सा दिख रहा है कि जैसे हम बात करें तो फिल्में बल्कि बनाई नहीं जा रही, ऐसा लगता है जैसे बनवाई जा रही। नहीं, फिल्म तो आज भी बहुत अच्छी बन रही है, और आज जो है वो थोड़ा सा वो टूट गया है, जो एक रिवायती दरख्त के आसपास गाना पकड़ के वो गाते थे हाथ पकड़ के हीरो हीरोइन, वो कुछ कम हो गया, रोमांस बहुत होता था ज़्यादा। हाँ, जो देशभक्ति पे फिल्में बनती थी वो बहुत अच्छी बनी, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई वक्त, और ये बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी, फिल्म आज भी बहुत अच्छी बन रही है और रियलिस्टिक बन रही है। लेकिन अब तो ज़्यादा चर्चा कश्मीर फाइल्स का होता है कि उसमें एक कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, एक कहता है कि नहीं इसको देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। ये राय है, किसी को चीज़ अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है। नहीं, जैसे ये जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक उनकी अलग दुनिया थी और उन्होंने हमेशा ही जैसे जोड़ने की कोशिश की, समाज को बनाने की कोशिश की और देश को बनाने की कोशिश की। जी, वो वहाँ उस वक्त पिक्चरें एंटरटेनमेंट के लिए भी ज़्यादा बनती थी, देशभक्ति की फिल्में बहुत अच्छी बनती थी। आज ये है कि बामकसद सब्जेक्ट भी बहुत सारे बन रहे हैं और रियलिटी फिल्म्स में आ गई है, क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो एक तो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं और हकीकत हालात की जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो टच करते हैं सब्जेक्ट आज के मुताबिक। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जिससे ये लगता हो कि समाज टूटेगा, गुस्सा बढ़ेगा लोगों में, नहीं बनानी चाहिए। देखिए, शर और शैतानियत के लिए इस मीडिया को हर गिज़ मत इस्तेमाल कीजिए। ये मीडिया जो है ये समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये मैसेज फिल्म वालों को पहुँचाए और ज़्यादा पहुँचाना भी चाहिए कि इतना करोड़ों रुपया मुल्क का जब लगता है, 100-100 करोड़ फिल्म पे लगता है, उसमें पैगाम ऐसा दीजिए जो हमारे आने वाली जेनरेशन्स जो हैं उन तक एक अच्छा मैसेज पहुँचे, इस्लाह हो, मुल्क में प्यार मोहब्बत बढ़े, अच्छी चीज़ों का जिक्र हो, ना कि उसमें वो शैतानियत सिखाई जाए कि आदमी जो उसमें शैतान दिखा रहे हैं वो लोग वो शैतान बनने की कोशिश करें।
अच्छी चीज़ें दिखाई। आपने शायरी भी की है, अभिनय भी किया है और लंबे वक्त तक आपकी आवाज़ लोगों के कानों में अभी भी। तो अभी ये रियाज का सिलसिला बना हुआ है या अब आप जो बीइंग मदर हैं इस पर ज़्यादा फोकस किए हो? नहीं, ये तो हमारी ज़िंदगी है, म्यूज़िक ज़िंदगी है और रियाज भी करते हैं और हमारा गाना भी एक आ रहा है और एक प्रोजेक्ट फिल्म का है यूपी के साथ, वो भी इंशाल्लाह आएगा। अपने काम पे वो अलहदा चीज़, मगर इसको हम काफ़ी वक्त देते हैं। जैसे आपने उस फिल्म में ये गाना गाया था दिल के अरमां, तो हमसे लोगों ने जब हमने ये दिया अपने चैनल पे चलाया कि वो हमसे रूबरू होंगी, हमसे बात करेंगे, तो बहुत से लोगों की ये फरमाइश थी बल्कि एक तरह से ख्वाहिश भी थी कि वो जो दिल के अरमां आंसू में बह गए वो दरअसल अब उनसे सुनवा दीजिएगा। ठीक है, लोगों की फरमाइश जी हमारे सिर आँखों पर ज़रूर। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हो हम वफा हो करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। गाना भले ही इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला लेकिन बहुत से लोगों को, शायद आपको भी, वो फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, वो ज़्यादा आपके करीब था। हमें पर्सनली वो गाना ज़्यादा पसंद है। उसमें एक जिंदगी की जैसे जो रवानी है ना, एक जिंदगी जिस तरह से चलती है वो दिखता है जी। आज इतने साल हो गए गाने को रिलीज़ हुए थे, आज आप इंस्टा पे जाएं हर 5-6 गानों के बाद वो गाना आ जाता है जी। कोई ना कोई उसको किसी चीज़ में डाल देता है। नहीं, आपने गाया भी बहुत अच्छा, फिर जिस लोकेशन पे शूट हुआ था वो भी बहुत प्यारी लोकेशन। बस ये देखिए ऐसी फिल्म बन जाती है, हर आर्टिस्ट की करियर की एक ही फिल्म होती है, उसके बाद चाहे वो 100 फिल्में बनाए जो उसके साथ चलती है। मेरी गुजारिश है कि ये बोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रा सा ये और सुना दीजिए। फ़ज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्ता, फजा भी है जवां जवां, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दे से आज भी न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बते ये दूरियाँ, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां।
40 साल बाद भी आपने सवास को बहुत सहेज कर रखा है, बहुत कम लोग मेरे ख्याल से ऐसा कर पाए होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत खुशी हुई आज आपकी आवाज़ सुनकर, एक वो आवाज़ सुनी थी कि जो फिल्म में आपने गाया था, और आज आपसे रूबरू होकर, ये वाकई दोनों गाने बहुत शानदार थे और ये लगता था कि जैसे हम लोगों के भी करीब हैं। अच्छा एक चीज़ और थी इस फिल्म में कि जैसे आपका नाम नीलोफर था और उनका वसीम था जो कैरेक्टर थे उसमें, तो ये इत्तेफाक था कि ये नाम रखे गए या उससे मेल खाते थे स्टोरी से कहीं? नहीं, स्टोरी में पहले ऐसे ही आए थे, मगर जो एक अजीबो गरीब इत्तेफाक था वो ये था कि जहाँ शूटिंग हम लोगों ने की थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पैलेस में, वहाँ पर जो उनकी प्रिंसेस थी मुअज़्ज़म जा की, जो उनके छोटे बेटे थे, जो शजी के नाम से उनका शायर थे, तखल्लुस उनका शजी था, उनकी जो बेगम थी वो टर्की की प्रिंसेस थी, पूरे उस महल में शूटिंग हुई और उनका नाम नीलोफर था। तो इनका एक जो पुराना लाइब्रेरियन था वो जब हमें वहाँ देखता था तो कहता था मुझे ऐसा अजीब सा लगता है, कहते हैं हूबहू आपकी शक्ल की थी। तो वो अजीब सी एक फीलिंग हो गई थी पैदा वहाँ। अच्छा। वो जो आता था तो मैं उनके स्टाफ में से यूं देखता था नीलोफर, तो वो हम खुद डर गए थे। तो वो मैं वाकया बहुत क्लियरली याद है। उसके बाद लोगों ने बहुत बच्चियों का नाम नीलोफर, बहुत लोगों ने नाम रखा नीलोफर भी, और फिर वो जो वसीम थे उसमें जी दीपक पराशर, उनका भी नाम बहुत जी थे। दो नाम उस दौर में उस फिल्म के बाद तो चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें बुलाने का, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया द लीडर को, और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।